गणेश टॉकीज के परिसर मार्कंडेय नगर पद्म नगर में से सिद्धि विनायक मित्र मंडल में दीपावली के पावन अवसर पर कपिल पाटिल फाउंडेशन के अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक सुमित पाटिल जी ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर रंगोली स्पर्धा 2021 का कार्यक्रम आयोजित किए। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक सुमित पाटिल ने पद्म नगर में यही जगह से इसी मंडल और यही रंगोली स्पर्धा का कार्यक्रम 2016 में रखे थे। उस दिन से अपनी राजनीति का जीवन शुरू हुई, इसलिए नगर सेवक सुमित पाटिल कभी नहीं भूलते इससे सिद्धि विनायक मित्र मंडल को। सुमित पाटिल ने आयोजित किए महिलाओं के लिए रंगोली स्पर्धा में 50 महिलाएं सहभागी लिए। सुमित पाटिल ने दीपावली के पावन अवसर सभी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी महिला स्पर्धकों को अपनी ओर से तोहफे दिए। कपिल पाटिल फाउंडेशन व नगर सेवक सुमित पाटिल जी के अनुयायी वेंगल श्रीनिवास ने साई नमोनमो एसएनएन न्यूज को जानकारी दी है कि इस रंगोली स्पर्धा में 2021 में 50 महिलाएं रंगोली स्पर्धा में सहभागी लिए, 45 महिलाओं को रंगोली स्पर्धकों को प्रोत्साहित तोहफे और 5 महिलाओं को रंगोली विजेता पुरस्कार से सम्मानित किए। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक सुमित पाटिल, भूमेश कल्याणप, विशाल पाटारे, वासम राजेंद्र, महिला अध्यक्ष ममता परवनी, शरद रुकाले व आदि मान्यवर के हाथों से रंगोली विजेताओं को पुरस्कार दिए। श्री सिद्धि विनायक मित्र मंडल के गणेश गाजुल, चिप्पा राजू, रमेश सटकुरी ने कार्यक्रम में आए विशेष अतिथियों का गौरवपूर्ण सत्कार किया है। इस रंगोली स्पर्धा के लिए पिछले एक महीने से इस कार्यक्रम को विशेष मेहनत लेकर कार्यक्रम को सफल बनाए हैं समाज सेवक वेंगल श्रीनिवास, गुणेश पाटिल, वेमुल श्रीनिवास, किशन कुसुमा, वेंकटेश वेमुल, नरेश चेलवेरी, स्वामी बिटला, किरण जंजिराला, वेंगल सागर, बलिराम बोय, सुमका प्रदीप व आदि लोगों ने। हमारे जो रंगोली स्पर्धा में हिस्सा लियो सभी को मैं आज यहाँ पे और यहाँ पे जो पद्मानगर में आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है उसके लिए मैं सिद्धि विनायक मंत्र मंडल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे याद है 2016 में जब मैंने राजनीति में शुरुआत की तो मेरे राजनीति में जब शुरुआत हुई थी, जब मैं यहाँ पे पद्मा नगर में काम कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, तो लोगों से मिल के जो लोगों का प्रेम मिल रहा था उसमें सिद्धि विनायक मित्र मंडल जो है वो पहला प्रोग्राम मेरा लगाने के लिए उन्होंने सामने से मुझे इनवाइट किया और वहां पे यही मंच से 2016 में लोगों से उन्होंने मेरा परिचय करके दिया था। और आज 2021 से 2017 में ये स्पर्धा शायद नहीं हुई थी इलेक्शन के कारण, उसके बाद 2-3 साल ब्रेक हुआ, कोरोना के वजह से भी 2 साल विघ्न आया, लेकिन अभी जो महिलाओं में उत्साह इस साल दिखा तो यहाँ के सिद्धि विनायक मित्र मंडल के गणेश और सभी बच्चे जो 2016 में थे वैसे ही है, सिर्फ उम्र बड़ा है उनका, लेकिन आज यहाँ पे बहुत खुशी का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है कि महिलाओं ने एक अच्छा सभी ने सहभाग लेके 45 लोगों ने पार्टिसिपेट यहाँ पे महिला लोगों ने किया है। और मैं प्रथम तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अलग अलग रंगोली उन्होंने बना के एक समाज को अच्छा मैसेज देने का काम आपके रंगोली के माध्यम से आप लोगों ने किया है। कहीं ना कोई कोविड को हरा के आज अपन यहाँ पे अपनी जीत रंगोली के माध्यम से आप लोगों ने दर्ज की है, तो मैं यहाँ के महिलाओं का खास करके आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अच्छी सोच लेके ये प्रोग्राम पिछले 7-8 सालों से यहाँ पे जो सिद्धि विनायक मित्र मंडल ने शुरुआत की थी, आज कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम वापिस 2021 से शुरुआत हो रही है उसकी, और ये हर साल प्रोग्राम आगे भी ऐसे बड़े पैमाने पे होगा ऐसे मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ का नगर सेवक होने के नाते तन मन धन से मित्र मंडल के साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा। तो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसके लिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। दीपावली है और लोगों को भी घर पे जाना है, इसके लिए मैं सभी महिलाओं को और सभी यहाँ के यंगस्टर जो बच्चे हैं
सभी को दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। ऐसे ही ये मंडल और यहाँ के सभी लोग मेरे से जुड़े रहेंगे प्रेम भाव से, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।